1837 Rauf or Repertory 1838 Repertory published in Allentown Academy by C. Herring. This was the first repertory to be published in English language. तब यहाँ से दो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिपोर्टरी पब्लिश्ड हुई सबसे पहले वो किस ईयर में पब्लिश हुई, वो 1838 में पब्लिश हुई. ओके दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिपोर्टरी पब्लिश हुई वो सबसे पहले कहाँ पे पब्लिश हुई. सो इट वॉज पब्लिश्ड इन एलन टाउन अकेडमी. किसके थ्रू पब्लिश हुई? बाई सी हेरिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई पहली रिपर्टरी वो किस ईयर में पब्लिश्ड हुई? इन द ईयर 1838. देन 1840 बाय रऊफ अ रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी. अ रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी इन 1840 बाय रऊफ. यू कैन सी यहाँ पर भी ज़ीरो है विच इज़ रिजेम्बलिंग लाइक ओ, और यहाँ पर भी आपको दो जगह ऐसे तीन जगह आपको ऐसे ओ जो है जो कि यहाँ पे ज़ीरो को रिजेंबल कर रहा है. इस तरह से इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर दैट 1840 रऊफ अ रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी एंड इट वाज अ क्लिनिकल रिपर्टरी. कैसी रिपर्टरी थी ये एक क्लिनिकल रिपर्टरी थी. अ रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी वॉज अ क्लिनिकल रिपर्टरी विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1840 बाई रऊफ. देन 1843 अ होम्योपैथिक रिपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी बाय लैफिट. ओके सिम्टोमेटोलॉजी पे जो होम्योपैथिक रिपर्टरी पब्लिश हुई इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1843 में होम्योपैथिक रिपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी बाय लैफिट एंड लैफिट वॉज अ पर्शियन होम्योपैथ. फर्स्ट रिपर्टरी इन फ्रेंच लैंग्वेज. सो दिस वॉज द फर्स्ट रिपर्टरी टू बी पब्लिश्ड इन फ्रेंच लैंग्वेज. अगेन यहाँ पे उसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि द फर्स्ट रिपर्टरी टू बी पब्लिश्ड इन फ्रेंच लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1843 में रिपर्टरी पब्लिश हुई पहली जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में थी एंड उसका नाम क्या था? उसका नाम था होम्योपैथिक रिपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी बाय लैफिट. थैंक यू.